वहीं फरुखाबाद में सावन के चौथे सोमवार को लेकर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है तुषौर गांव का शिव मंदिर भक्तों की अपार श्रद्धा का केंद्र है, जहां मान्यता है इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं और शिवलिंग पर दिखने वाला गोली या निशान स्वयं में ऐतिहासिक तथ्य रेखांकित करता है। बता दें, मुगल सेना यहां से शिवलिंग को उठाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन शिवलिंग इतना वजनीला हो गया कि पूरी सेना से उठाए नहीं उठा और इससे नाराज होकर सेना के कमांडर ने शिवलिंग पर फायर कर अपने गुस्से का इजहार किया और मुगल कमांडर द्वारा चलाई गई यह गोली शिवलिंग में धंस गई और वह छेद का निशान आज भी मौजूद है। भगवान भोलेनाथ का सच्चा दरबार है। यहाँ पे जो भी आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, आप जो भी मन से उनका आराधना करोगे तो आपका काम स्वयं भोलेनाथ की कृपा से बन जाता है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं। दुखा भाजा सच्चे दरबार है, भोले बाबा की इच्छा है, सब जने आते हैं, यात्री लोग दर्शन करते हैं, इच्छा जो मनवा कामना भरी है वह पूरी होती है। मंदिर भोले बाबा जाइए जमीन से निकले, भोले बाबा बड़े लेवल में कोशिश करी निकलिए कि ना निकल पाए, इनकी अच्छी अपने स्थान जमाई ले वाले बुजुर्ग लोग बताते हैं यहाँ की मतलब बिल्कुल ऊसर था, यहाँ पे शंकर जी थे तो बहुत मान्यता हो रही थी शंकर जी की, और उसके काफी लोग आते हैं आज भी आते हैं, तो विशेषता जब लोगों ने सुना कि क्या विशेषता है, तुमने विशेषता जब सुनी तो ले जाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने लादा उठाया सब कुछ किया लेकिन नहीं ले जा पाया, तो उन्होंने फिर गोलियां चलाई शंकर जी को, जिनके निशान आज भी बने हुए हैं। कैसे काम क्या आते हैं लोग, कभी कई एक लोगों की मान्यता पूरी हुई तो जब एक लोग लोगों पूरी हुई तो और भी लोग उनने कहाँ गए थे कि वहाँ गए थे शंकर जी के पास, तो वहाँ जाने में और भी लोग आए, उनकी भी मान्यता पूरी हुई तो और भी लोग मानने लगे, मानते मानते यहाँ सब सारे लोग आते हैं, बढ़िया स्थान है।